गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जून के महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और उनको याद करना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन किसी न किसी हालत में पूछना ही है। तो मंथ वाइज हम धीरे धीरे क्वेश्चनों को याद करते रहेंगे और धीरे धीरे याद होता रहेगा। तो सबसे पहले जून महीने से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, विश्व दुग्ध दिवस या 1 जून को मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, जो कि विश्व दुग्ध दिवस भारत में देखते हैं ना अपन, इसको श्वेत क्रांति का रूप दिया गया है वर्गीज कुरियन की द्वारा। वर्गीज कुरियन ने एक बहुत बड़ा रूप दे दिया था। एक टाइम पे भारत एक्सपोर्ट, मतलब बाहर बाहर से क्या बोलते हैं, दूध मंगाया करता था, आयात करते थे अपन लोग। बट एक टाइम ऐसा आया, बट हम लोग उल्टा दूध अदर देशों को निर्यात करने लगे अपने यहाँ से। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, भाई साइकिल चलाने लोगों को शर्म आती है ना, लोगों की ये नहीं पता है साइकिल चलाने से एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, इतना बहुत फिट होते हैं, इसलिए साइकिल चलाने के लिए मुहिम चालू की गई थी। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ना, जो खाने की चीज़ें रहती हैं, इसका जैसे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो रोम में है अपना, है ना, तो इसका हेडक्वार्टर एक्चुअल में जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र उसकी एजेंसी होती है। तो इसके 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है ना, इसकी प्रति जागरूकता लाने के लिए 8 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यायन एक्रीडिएशन डे 9 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी बच्चों को भाई सब खतरनाक कामों में समय लगा दिया जाता है, तो इसको रोकने के लिए आर्टिकल 24 जो भारत का, सॉरी आर्टिकल 23, ये भी मना करता है क्या बोलते हैं कि बच्चों से ये नहीं करवाना चाहिए, खतरनाक काम नहीं करवाना चाहिए ना। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस, यानी वर्ल्ड जो ब्लड है उसको डोनेट करो, उसके बारे में। एक कार्ल लैंड स्टीनर थे ना, ऑस्ट्रेलियाई जो जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे, इनके जन्म दिवस पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रशिक्षण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस है ना, जैसे देखें बांग्लादेश के लोग है ना, वहाँ पे लोग जगह नहीं दे पाते हैं तो इधर उधर भागते हैं लोग। अभी देखा था कुछ समय पहले जो म्यांमार है, वहाँ पे जैसे जो सैन्य प्रशासन की सत्ता आई थी, उन्होंने लोगों को भगा दिया था, ठीक है, जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, तो कहीं ना कहीं शरण जाके लेंगे UN। तो इसके लिए सपोर्ट के लिए विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस, संगीत दिवस मतलब शांति स्थिरता के लिए, मन को सुदृढ़ बनाने के लिए 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत देश की पहले हैगी है, ये क्या बोलते हैं, सितंबर में जब 2015 में इसका जब UN में बैठक हो रही थी विश्व महासभा की, तब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने ये रखा था प्रस्ताव कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए, तो तब से मनाया जाने लगा है। योग दिवस मतलब 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिवस होता है ना, यानी जो सूर्य होता है यहाँ पे, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, इनके बीच के जो सबसे ज़्यादा सूर्य रहता है ना, इसलिए 21 जून को मनाया जाता है। और इसी की थीम पर आगे जा कर के सौर जो गठबंधन है वो भी बना था कि जो कंट्री कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में आएंगे वो लोग सौर अलायंस में शामिल हो सकते हैं, है ना। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, इसका यही लॉजिक है कि सबसे बड़ा दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जैसे कि ओलंपिक खेले जाते हैं हर साल, अभी भारत की जो टोक्यो में खेले गए, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने
भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को, जो संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है वो भी लोक सेवा दिवस मनाया जाता है कि लोक सेवक के प्रति जागरूकता आए, ईमानदारी से काम वगैरह करें। भारत के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 308 से लगाकर 323 तक लोक सेवा के पद के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के बारे में बताया, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो एक तो जो ग्रह होते हैं है ना, और छोटे छोटे ऐसे जो पट्टी है कि क्या बोलते हैं, जो इंटरनल ग्रह हैं और एक्सटर्नल ग्रह हैं उनके बीच में, ऐसे कि यहाँ से बुध, ये तो अपना सन हो जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और इसके क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी आती है ना, बहुत सारे ग्रह हैं यहाँ पे ना, तो उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को। प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू।